हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को यूएसबी के ड्राइव या पेन ड्राइव की मदद से अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं उसका सॉफ्टवेयर। तो एक ऑप्शन तो ये है सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, जैसे आपका टीवी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप होम बटन प्रेस करिए रिमोट का, उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में सपोर्ट के अंदर में आपको ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ग्रेड आउट है, ये आ नहीं रहा है। उसका ये रीज़न ये है कि कोई ना कोई ऐप आपका इंटरनेट यूज़ कर रही है, जैसे कि अभी मेरी अमेजन प्राइम है, बैकग्राउंड में खुली हुई है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक ऑप्शन तो ये है कि आप जो सोर्स है उसको आप ये टीवी सेलेक्ट कर दीजिए, जैसे सैमसंग टीवी प्लस ये है, इसको आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में वापस से आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग में जाइए, यहाँ पर आप सपोर्ट में जाइए, तो आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। इसके बाद में इसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आप आपके टीवी में सोर्स सैमसंग टीवी प्लस सेलेक्ट करने पर भी अपडेट का ऑप्शन ग्रेड आउट आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप जो अपने टीवी का रिमोट है इसकी पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कर करके थोड़ी देर के लिए, तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा टीवी आपका, उसके बाद में वापस से रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड में जो भी आपकी कैशे है और जो एप्लीकेशन है वो सब क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन ग्रेड आउट हो रहा था वापस से आपको शो हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने टीवी की जो टर्न ऑफ करके इसको और पावर कोड को उसको निकाल दीजिए उसको, और थोड़ी देर 30 सेकंड या 40 सेकंड वेट कीजिए, वापस से पावर केबल को लगा दीजिए और उसको टर्न ऑन कीजिए, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने टीवी को पेन ड्राइव की सहायता से कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अपने टीवी का मॉडल नंबर और उसका फर्मवेयर वर्जन, ये दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो वो चेक करने के लिए जैसे मैं होम बटन प्रेस करता हूँ टीवी का, उसके बाद में अगर हम सेटिंग में जाते हैं, उसके बाद में सपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है अबाउट दिस टीवी, इसको आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं टीवी का मॉडल नंबर आपको शो हो रहा है QA65Q70TA। तो ये तो आपका टीवी का मॉडल नंबर हो गया। इसके अलावा आपका सॉफ्टवेयर वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रहा है TNKMUABC और 2101.0। तो लास्ट की जो 4 डिजिट है 2101.0, ये एक्चुअल में आपका टीवी का सॉफ्टवेयर वर्जन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सैमसंग की वेबसाइट पर हम लोग जाएंगे लैपटॉप में और उसके सपोर्ट सेक्शन में आके ये मॉडल नंबर सर्च करेंगे, उसके बाद में उसका फर्मवेयर देखते हैं इससे अपडेटेड वर्जन वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपका सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन वहाँ अवेलेबल है, जैसे 2101.1.2, तो आप यूएसबी की पेन ड्राइव की सहायता से अपने टीवी को अपडेट कर पाएंगे। नहीं तो अगर सेम ही वर्जन अवेलेबल है लेटेस्ट जो इंटरनेट पे सपोर्ट सेक्शन में, तो आप टीवी को यूएसबी की सहायता से अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ कैसे आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पेन ड्राइव में, उसके बाद में उसकी पेन ड्राइव की सहायता से कैसे अपडेट करना है। दोस्तों, जो सैमसंग टीवी का मॉडल नंबर हमने नोट किया था वो ये था QA65Q70TA। अब हमको क्या करना है कि सैमसंग की सब वेबसाइट पर जाना है। इसके लिए मैं ओपन करता हूँ samsung.com इंडिया वाली वेबसाइट। इसके बाद में आपको जाना है सपोर्ट्स में, जैसे मैं सपोर्ट में गया, इसके बाद में टीवी सेलेक्ट करना है, ऐसे टीवी सेलेक्ट किया मैंने। अब उसके बाद में आपका मॉडल नंबर जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ कॉपी कर दीजिए, जैसे मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इस मॉडल को यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये वाला सर्च में आ गया, मेरा टीवी का मॉडल जो है Q70T 4K स्मार्ट क्वालिटी टीवी यहाँ से आ गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है मैनुअल एंड डाउनलोड्स, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट फाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपग्रेड फाइल यूएसबी है, ये अवेलेबल है यहाँ पे, वर्जन 2101.0 है और ये अक्टूबर 13 को ये अपडेट हुई थी। तो ये जो लेटेस्ट हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हम देख रहे थे वो सेम ही है, तो इसको हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ डाउनलोड कैसे कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में जिप फाइल ये सेव हो जाएगी, इसको सेव कर लेते हैं। दोस्तों, जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की थी ये वाली, इसको आप अनजिप कर लीजिए पहले। तो मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ राइट क्लिक करके, एक्सट्रैक्ट ऑल करके। तो इसके बाद में अनजिप हो जाएगी ये फाइल, तो ये वाला फोल्डर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा TNKMUABC2101.0USB। इसको आप पेन ड्राइव में कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देता हूँ। अब इस पेन ड्राइव को मैं यहाँ से इजेक्ट कर लेता हूँ और उसमें टीवी में कनेक्ट करके अब इसको अपडेट करते हैं, इसके टीवी का सॉफ्टवेयर को इस पेन ड्राइव की सहायता से।
अब दोस्तों मैंने पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर अपडेट फाइल कॉपी कर ली है, इसको अब मैं कनेक्ट करता हूँ टीवी के यूएसबी पोर्ट से। इसके बाद अब हम होम बटन को प्रेस करते हैं और सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाके सपोर्ट में जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट, इसके बाद में अपडेट नाउ। इसमें आपको एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू सर्च द कनेक्टेड यूएसबी डिवाइस फॉर अपडेट फाइल्स, तो इसको आपको यस कर देना है। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन, देर आर नो न्यू अपडेट्स अवेलेबल एट द मोमेंट, क्योंकि टीवी का जो सॉफ्टवेयर वर्जन था वो सेम ही था जो मैंने अभी फाइल इसमें डाउनलोड की है पेन ड्राइव में। अगर ये लेटेस्ट वर्जन होता तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता आपको अपडेट करने का। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सैमसंग स्मार्ट टीवी को यूएसबी या ड्राइव या पेन ड्राइव की सहायता से अपडेट कर सकते हैं उसके सॉफ्टवेयर को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। थैंक यू।